हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज हमारे पास यहां पे जो डिवाइस है वो है ओप्पो A55 स्टरी ब्लैक रंग में। जी हां, काफी बढ़िया फीचर्स के साथ में इंडिया में इसी ओप्पो A55 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है ऑफलाइन मार्केट में ओप्पो की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया फीचर्स इसी ओप्पो A55 में दिया गया है। जो डिवाइस की प्राइस है वो एक मिड रेंज बजट स्मार्टफोन है। जी हाँ, और इसी स्मार्टफोन को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसी ओप्पो A55 स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, और इसी स्मार्टफोन का स्टरी जो ब्लैक कलर है इसको भी देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और कुछ इस तरीके से ओप्पो A55 स्मार्टफोन का बॉक्स यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे देख सकते हो बड़े अक्षर में यहाँ पे ए लिखा गया है, साथ ही साथ ओप्पो A55। और जो डिवाइस है ये 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, और बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया है डिवाइस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स, जैसे कि ट्रू 50MP AI कैमरा, इसके अलावा 6.51 इंचेस का पंच होल्ड डिस्प्ले, 5000mAh का बैटरी, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 18W फास्ट चार्ज, और डिवाइस जो है वो स्टरी ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ ये डिवाइस आता है, खास करके स्टरी ब्लैक कलर में। इसके अलावा यहाँ पे भी मेंशन किया गया है डिवाइस का हाइलाइटिंग पॉइंट्स, स्टरी ब्लैक कलर, 4GB 64GB 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 16MP सेल्फी, 5000mAh का बैटरी, और 190 ग्राम के आसपास इस फोन का वेट है, यानी 193 ग्राम इस फोन का वेट है। और प्राइस भी मेंशन किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट कीमत आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और चलिए फिलहाल इसी जो ओप्पो A55 डिवाइस है इसको सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसका जो शील है इसे ब्रेक कर दिया है, और बॉक्स यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर लिया, और यहाँ पे एक व्हाइट कलर में बॉक्स है ओप्पो का ब्रांडिंग के साथ में ये नज़र आ रहा है। चलिए इसे भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही ओपन करते हैं ऊपर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसी सेक्शन के अंदर हमें क्या कुछ कंटेंट्स दिया गया है यहाँ पे देख सकते हो। सबके ऊपर यहाँ पे एक सिम इजेक्टर यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रांसपेरेंट केस कवर व्हाइट और प्रोवाइड कर दिया गया है, और इन सभी चीज़ों को रखते हैं। और ये रहा ओप्पो A55 डिवाइस, जी हाँ, स्टरी ब्लैक कलर में दिखाऊंगा डिवाइस को। यहाँ पे भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स अगेन मेंशन किया गया है जो बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया था, और बाकी कंटेंट्स क्या कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक एडॉप्टर दिया गया है, इसका जो आउटपुट है वो है गाइस 9V 10A, यानी यहाँ पे 18W चार्जर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें एक टाइप सी केबल भी देखने को मिल रहा है। तो ये सभी था दोस्तों इसी स्मार्टफोन की बॉक्स कंटेंट्स। अब फिलहाल इस स्मार्टफोन को हम देखते हैं, चलिए इस प्रोडक्शन से चलिए इसे निकालते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो स्टरी ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लुक से, कुछ अलग ही यहाँ पे बैक बॉडी में देख डिज़ाइन देखने को हमें मिल रहा है, जहाँ पे लगा हुआ है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, और साथ ही साथ यहाँ पे LED फ्लैश है और ओप्पो का ब्रांडिंग, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश डिवाइस लग रहा है। लुक्स के मामले में डेफिनेटली जो डिवाइस के प्राइस रेंज है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया एक लुक्स इस स्मार्टफोन में दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। डिवाइस में और एक कलर भी है, लेकिन ये जो कलर है स्टेरी ब्लैक ये काफी बढ़िया है, रेनबो ब्लू स्टेरी ब्लैक एंड ग्रीन कलर में डिवाइस है, और रेनबो ब्लू एंड ग्रीन में इतना कुछ डिजाइन नहीं है जैसे इस स्मार्टफोन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पावर बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल लगा हुआ है, टाइप सी पोर्ट है बीच में, और माइक्रोफोन है, एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल रहा है। और इस साइड से चलिए देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड सिम ट्रे प्रोवाइड कर दिया गया है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे गेन और कुछ नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है, या फिर सिंगल माइक्रोफोन डिवाइस में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। और ओवरऑल मुझे तो खास करके डिवाइस काफ़ी बढ़िया लगा लुक्स डिजाइन के मामले में, खास करके स्टरी ब्लैक कलर में। और डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बात करूँ गाइस, तो इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी एक लार्ज स्क्रीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6.51 इंचेस का यहाँ पे एक लार्ज स्क्रीन दिया गया है,
डिवाइस में आईपीएस पैनल का यहाँ पे उपयोग किया गया है 480 निट्स टाइप का ब्राइटनेस से, कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा क्योंकि एक लार्ज स्क्रीन है और कलर वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 270 PPI रखा गया है। एक चीज़ है डिवाइस में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कमी भी है जो है HD+ रेजोल्यूशन में रखा है। फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले में होना चाहिए था लेकिन HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है। अगर आप प्रो प्लेयर हो तो आपको डिस्प्ले में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा गेमिंग के मामले में 720x1600 का पिक्सल से। और ये जो डिवाइस है ये डिस्प्ले के मामले में मैं कहूँगा कि एवरेज यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डिवाइस की प्रोसेसर, और इसी स्मार्टफोन में जो चिपसेट दिया गया है प्रोसेसर वो मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक के लिए G35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। 12 nm फैब्रिकेशन में है, 2.3 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। एंड्रॉयड 11 से ये डिवाइस फिलहाल चल रहा है और 11.1 कलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिवाइस में 4GB रैम एंड 64GB रोम है। और डिवाइस में यहाँ पे पावर VR G8320 GPU दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी हद तक डिवाइस अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन की चलिए बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर। जो डिवाइस है ये 5000 mAh के बैटरी के साथ में आता है और बैटरी लाइफ अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे 18W फास्टिंग सपोर्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये ओप्पो A55 डिवाइस है और चलिए इसे सेट करते हैं। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर जो पावर बटन के साथ में दिया गया है और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है और परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरीके से डिवाइस को अनलॉक करता है, स्लो होता है या फास्ट होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी फास्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करता हुआ नज़र आ रहा है इसी ओप्पो A55 स्मार्टफोन में। यानी कह सकते हैं सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी हद तक एक अच्छा डिवाइस है। और इसी स्मार्टफोन की अब चलिए बात करते हैं कैमरा फीचर्स के ऊपर। गाइस रियर कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रोमोड, यहाँ पे 50 MP का कैमरा दिया गया है अपर्चर F1.8 के साथ में और कुछ कैमरा सैंपल इसी डिवाइस के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आउटपुट है, रिजल्ट मैं कहूँगा कि बेस्ट है। इंडोर लो लाइट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ये डिवाइस काम करता है। इसके अलावा मैक्रो लेंस के लिए 2 MP, डेप्थ सेंसर के लिए 2 MP और डिवाइस जो है ये 1080p 30 FPS पे वीडियोज शूट करता है। और डिवाइस का जो यहाँ पे 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है वो अपर्चर F2.0 के साथ में है। कुछ कैमरा सैंपल चलिए इसी स्मार्टफोन के साथ मैंने यहाँ पे सेल्फी के मामले में क्लिक किया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है। जी हाँ गाइज, सेल्फी भी इसी ओप्पो A55 में बढ़िया देखने को मिलेगा। कैमरा के मामले में कोई भी यहाँ पे कमी आपको नज़र नहीं आएगा। जो डिवाइस की प्राइस रेंज है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा सेल्फी एंड रियर कैमरा इसी ओप्पो A55 स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। और डिवाइस की प्राइस रेंज के ऊपर बात करूँ तो गाइज इसी स्मार्टफोन में एक ही वेरिएंट फिलहाल मार्केट में है जो आता है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 15,490 rupees। जी हाँ, एग्जैक्ट कीमत है 15,490 rupees। तो ये दोस्तों इसी ओप्पो A55 का अनबॉक्सिंग स्टेरी ब्लैक कलर का और इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।